एक खबर लगातार अब से थोड़ी देर पहले एक संयुक्त बैठक चल रही थी अमित शाह की, केजरीवाल की और दिल्ली के उपराज्यपाल भी थे। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि भड़काऊ बयान कोई भी देता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, कपिल मिश्रा हो या फिर कोई और, स्थिति को बिगाड़ने में जो भी आगे आता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा फैलाने के लिए अगर कोई भी जिम्मेदार हो, किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल मिश्रा पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, बड़ा हमला दिल्ली हिंसा को लेकर, और स्थिति तभी से दिल्ली में और ज्यादा बिगड़ गई थी जब सीएए कानून के विरोध करने वालों के विरोध में कपिल मिश्रा ने मौजपुर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया था और कहा था कि किसी भी हालत में डेडलॉक जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करने देंगे। उसके बाद एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें कपिल मिश्रा भड़काऊ बयान देते हुए सामने दिखाई दिए थे। उसके बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान कि कपिल मिश्रा हो या कोई और, उस पर एक्शन होना चाहिए। जो भी प्रोवोक करे जा रही स्पीचेज हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिन्होंने भी ये प्रोवोक करती हुई स्पीचेज या फिर ऐसी स्पीचेज दी हैं, उनका इस जगह पे कोई भी, आई थिंक उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली ये दिल्ली में हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं, अच्छे दिल्लीवासी की तरह रहना चाहते हैं। अगर आप प्रोवोक करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ का सोल्यूशन बातचीत से निकलता है, इस तरीके से नहीं निकलता। अगर आप देखिए, ये सारा प्लान किया गया एक चीज़ है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी आए हुए हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि अभी तक जब शाहीन बाग में चल रहा था, वो पिछले दो महीने से बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, सडनली कल आपने इतने ज़्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, डीसीपी साहब ICU में है। तो अगर इस तरीके का स्पेशली आप प्लान करके करेंगे कि आप अपनी इमेज वर्ल्ड को बहुत खराब दिखाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, सीसीबी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आप चलते हैं, आप क्या खाली करवा रहे हैं? ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें लौट जाना पड़ेगा। गौतम गंभीर ये कहते हुए कि हिंसा का जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कपिल मिश्रा क्यों ना हो, लेकिन कपिल मिश्रा अभी भी उसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि ट्रंप को जाने दे, उसके बाद जो हमें करना है हम कर लेंगे, हम किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कह दिया आपकी दिल्ली पुलिस लापरवाही कहीं ना कहीं कर रही है। इसी के साथ मनोज तिवारी ने इस पूरी घटना को एक साजिश करार दिया है। जो पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई है और कई पुलिस वाले सीरियसली घायल हैं। मैक्स हॉस्पिटल के अंदर 9 पुलिस वाले घायल हैं, GTB हॉस्पिटल के अंदर 16 पुलिस वाले घायल हैं। जस्ट होल्ड ऑन। तो पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था, मैं भी नीचे सबके साथ पिछले 2-3 दिन से टच में हूं, ऐसा लग रहा था कि पुलिस की नीचे कमी नजर आ रही थी, तो वो आश्वासन दिया है कि कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे और जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी पुलिस की वो मुहैया कराएंगे। और सब लोग इसके ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के सब लोग अपनी दिल्ली में शांति बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। हम लगातार लोगों में शांति बनाने के लिए, संयम रखने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खौलाने में लगे हैं लोगों को, और वो भी उस टाइम जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के दौरे पे हैं। तो अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी को आपने सुना। उधर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आ गए, वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा इसके लिए जिम्मेदार है और मेरे नाम की सियासत बनकर दिल्ली में मची हिंसा को किस तरीके से काबू में पाया जाए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप ये वायलेंस क्यों हुआ उनको बोलो, उनकी नाक के नीचे वायलेंस हो रहा है, क्यों हैदराबाद में पड़े हुए हैं? जाइए दिल्ली को जाइए, कंट्रोल करिए। यहां क्यों बैठ के मिठाई खा रहे आप? कब तक मेरे नाम की मिठाई खाएंगे? जाइए, आपको MOS होम बनाया गया है, दिल्ली जाइए, दिल्ली को कंट्रोल करिए। 7 लोग मर चुके हैं, अभी खबर आई कि एक और मॉब ने किसी को मार दिया, लोग मर रहे हैं। यहां वहां जाइए, दिल्ली को वहां जाइए, जाकर आग बुझाइए वहां पर। कब तक मेरे नाम की मिठाई खाते रहेंगे? कि तुम कंसर्न DCP के साथ खड़े होकर इस तरह का अल्टीमेटम देना, मीडिया ने रिपोर्ट किया है
कि दो दिन पहले से ही पत्थर उतारे गए और जब एक एक्स एमएलए खड़े होकर अल्टीमेटम देता है तो उसका नतीजा आप और हम ये देखते हैं क्या। असदुद्दीन ओवैसी को सुना जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मेरे नाम पर निशाना साधना बंद करे, दिल्ली में जो हो रहा है उसे कंट्रोल करे। आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा की 10 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जाफराबाद, मौजपुर, घोंडा, सीलमपुर, बाबरपुर, भजनपुरा, चांदबाग, खजूरी, यमुना विहार और भजनपुरा, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं दिल्ली किस तरीके से सुलग रही है, जल रही है। हिंसा की तस्वीरें चारों तरफ से सामने आ रही हैं। घरों को फूंक दिया गया, लोग घरों में बंद थे उसी वक्त लोगों के घरों में आग लगा दी गई, पेट्रोल पंप फूंक दिए गए, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़क पर जहां तक आप देखेंगे वहीं तक ईंट पत्थर नजर आ रहे हैं और इसी हिंसा में एक हेड कांस्टेबल की जान चली गई, 6 आम लोग मारे गए, 7 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, कई लोग जख्मी हैं, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, सभी का इलाज चल रहा है। आप समझिए कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर तब हो जाती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर हैं और इस बीच ये तस्वीरें वाकई फिक्र वाली बात है। लेकिन कपिल मिश्रा बाज नहीं आ रहे, एक के बाद एक उनके ट्वीट भी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सीएए के खिलाफ जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें हटाकर ही रहेंगे। एक साथ 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तो 10 तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से दिल्ली पिछले 2 दिनों में जली है। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चैनल के माध्यम से सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, किसी की अफवाह में ना आए, किसी के भड़कावे में ना आए, स्वार्थ बनाए रखें। दिल्ली हम सबकी है, हम सबको यहां मिलकर रहना है और जो उपद्रवी लोग हैं मेरा उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उपद्रव ना मचाएं। फिलहाल दिल्ली में हिंसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, एक तरफ शाहीन बाग में पिछले 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, प्रोटेस्ट चल ही रहा था लेकिन इस तरह से हिंसा प्रोटेस्टर्स के जरिए नहीं की गई। हां, बाहरी लोग जरूर पहुंचे, गोलीकांड भी वहां पर हुआ, लेकिन इस बीच जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे उसे ठीक 24 घंटे पहले जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे महिलाएं बैठ जाती हैं, चांदबाग में भी इसी तरह से प्रदर्शन होता है और ये प्रदर्शन अब हिंसा में तब्दील हो गया है।